हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे टू मनाली में। कल का जो व्लॉग था उसमें मैं खास अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रैवलिंग करते करते। सो आज कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊँ। और आज हम जाने वाले हैं सोलांग वैली और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। जस्ट मेरे घर के सामने स्नो है। सो हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा, लाइक 9 बजे तक हम लोग को सोलांग वैली पहुँचना है क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर कि गाड़ियाँ नहीं जा पा रही आगे। सो इसलिए आज हम लोग जल्दी उठे। और कल तो ऐसा हो गया कि मैं एक्टिविटीज़ करके आने के बाद मैं सो गई। सोने के बाद फिर मैं खाना खाई, मैं फिर वापस सो गई, बिल्कुल भी नहीं उठी। इतना अच्छा लग रहा था ना कल तो, लाइक बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग अभी स्नो देखो, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। सो कल के मुकाबले में थोड़ी स्नो और गिरी है क्योंकि जो ये माउंटेन्स थे ना उस पर स्नो थोड़ी कम थी, तो आज कुछ ज़्यादा ही लग रही है। आज भी बहुत ज़्यादा स्नो है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज देखते हैं डे टू का एक्टिविटीज़ हमारी क्या होती है। मोस्टली सोलांग वैली में ही एक्टिविटीज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे और देखते हैं आगे फिर। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अब यहाँ पर जो थी मैं सोलांग वैली के लिए रेडी हो रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहनूँ, क्योंकि उसके ऊपर तो मुझे यही पहनना था जो कि स्नो का ड्रेस होता है। तो यहाँ पर मैंने दो ड्रेस चेंज करके देख ली, फिर मैंने मेरे हस्बैंड जी को पूछी कि विच इज़ गुड। तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो है वो थोड़ा वुलन टाइप है तो आप ये पहने। सो फिर मैं फाइनली तैयार हो रही थी और इसके फुल स्लीव्स थी, पूरा पैक था, हाई नेक था इसका जिसको टर्टल नेक बोलते हैं शायद। सो फिर मैंने डिसाइड कर ली कि मैं यही पहनूंगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ शॉल वॉल सब ओढ़ ओढ़ के कि कैसा लगेगा, बट एनी हाउ ये सब वहाँ पर काम नहीं आने वाला था। तो यहाँ पर मैं फुल्ली टोटली रेडी हो चुकी थी और फिर मैं जाने वाली थी सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हमें फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग जल्दी आ जाए, आपके ब्रेकफास्ट रेडी है। सो यहाँ पर हस्बैंड जी काम कर रहे थे और यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी। और ये मेरा फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा ठंड है और थोड़ा सा फैशन करना भी ज़रूरी है। और ये था हमारा ब्रेकफास्ट जिसमें थे सैंडविच आलू के पराठे। यकीन मानो ये पहला ऐसा होटल है जिसका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही अच्छा, लाइक क्लीन टाइडी हर चीज़ बहुत अच्छी थी ये होटल की। फिर हम पहुंच गए थे सोलांग वैली के रास्ते में और यहाँ पर हम लोग ने लिए थे स्नो ड्रेस जो हमें मिला था 250 अराउंड, और बाकी जगह पे ये 300 का भी मिल रहा था हमें, पर 250 विथ जो बूट्स आपने देखे हैं उनके साथ। और फिर हम निकल चुके थे आगे की सफ़र पर। मैं ऐसा चाहती थी कि जितनी भी मेमोरीज़ होगी वो मैं कैद करके रख लूँ अपने कैमरे में। तो जहाँ माउंटेन्स दिख रहे थे भरे हुए स्नो से, मैं हर वो माउंटेन्स की मतलब फ़ोटोज़ लेके रखी थी, वीडियोस बना बना के रखी थी। और ये एक ऐसा मोमेंट हो गया था मेरे लिए कि मैं भूल ही नहीं सकती, बिकॉज़ मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पर ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट हो गया था। और सेकेंडली, मेरे हस्बैंड बहुत टेंस थे वो टाइम, बिकॉज ऐसा हो गया था कि उनके जितने भी काम थे सारे लाइनअप में थे और मैंने ऑन द स्पॉट ये ट्रिप प्लान कर ली और मैं बोली कि नहीं अब हम जा रहे हैं, हम मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया। वो बहुत टेंस में थे। हम यहाँ पर अब पहुँच गए। सबसे पहले जो था वो थी हमारी ये ट्यूब राइड, जिसमें मेरा तो वीडियो खैर नहीं बन पाया, बट मैं कोशिश करी कि मैं मेरे हस्बैंड का बना लूं। और मुझे एक सेकंड भी नहीं दिए थे वो ट्यूब में बैठने के लिए, मुझे सीधा ढकेल दी कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का फ़ोटो सेशन हो रहा था और आप यकीन करो हमें पता भी नहीं था कि फ़ोटो के चार्जेस लगने वाले हैं। और इतना बड़ा मेस हो गया था बाद में कि हम लोग खुद एकदम टेंस्ड हो गए थे। और यहाँ पर हम लोग फिर एटीएम की, एटीएम नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो उसको क्या बोलते, वो जो बाइक रहती है वो राइड करने हम चले गए।
और ये तो बहुत मज़ा आती है मुझे। लाइक अलीबाग में भी गए थे हम, वहाँ पर भी हमने किए थे और यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। तो जो गाड़ी वाले भैया थे वो बोले कि चलो ठीक है, हम आपका एक वीडियो बना लेते हैं, आप लोग चलाना। सो यहाँ पर हम चला रहे हैं और हम हमारा इन्जॉय कर रहे हैं एक एक मोमेंट बहुत अच्छे से। अभी हमारी हो गई है ट्यूब राइड और ATM जो बाइक राइड होती है वो। अब हम थोड़ा नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो बाकी की एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। मैं चलो फिर देखते हैं। ये 70 रुपये का ऑमलेट तुमको बहुत ज़्यादा लग रहा है क्या? बोलते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, केचप के साथ खाओगे? केचप के साथ खाओगे? डालेंगे ना थोड़ा सा। नहीं अच्छा लगेगा? ठीक है, मैं मीठा खाओ। ये है हमारी मैगी जो हुई है 70 रुपये की। मैगी एक पैकेट मैगी है 70 रुपये इसमें मिली। सो यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे सिंग करने के लिए। और मैं तो बैठी थी, खैर मैं मैगी खा रही थी, मेरे हस्बैंड जी ही कर रहे थे। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं इतना ज़्यादा फिर से डर रही थी ना देख देख कर कि नहीं मुझे तो नहीं करना है, मैं गिर जाऊँगी। और इतने लोगों को देख रही थी मैं गिरते हुए कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं नहीं करूँगी, और मैंने नहीं की। मैं एक सेकेंड के लिए शूज़ पहनी, फ़ोटोज़ निकाली और उसके बाद मैं बोल दी कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो वो को स्कीइंग के पैसे जो थे वो वेस्ट हो गए। वो सब होने के बाद एक चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे बहुत गुस्सा और था। अगर आप लोग जिपलाइन करना चाहते हो तो कॉस्टिंग तो आप लोगों को पता चल ही जाएगी, 500 है। और अगर आप लोग GoPro लेते हो साथ में तो एडिशनल 500 आपको देना पड़ता है। तो GoPro से आपके वीडियोज़ बन जाते हैं। बट हमने नहीं लिए थे क्योंकि मुझे इतना वर्थ नहीं लगा था वो। अगर हाँ वो 200 या 300 में दे देता तो शायद हम ले लेते, बट वो 500 के लिए वर्थ नहीं था। तो हमने जिप लाइन भी कर लिए, पर हमारा वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं तो मैं किसी और की वीडियो बना के इसमें डाल रही थी। तो खैर ये तो बहुत लेट जा रहे थे और हमने तो बहुत अच्छा वाला जिप लाइन करके आए थे। और हमारा जो फ़ोटोग्राफ़र था वो यही टाइम पे हमको छोड़ के चला गया था, बिकॉज़ उसने पहले तो हमको बताया नहीं था कि फ़ोटोग्राफी का मतलब पैसा लेते हैं, क्योंकि हमें लगा था हमारे जो एक्टिविटीज़ वाला पैकेज है उसमें इंक्लूडेड है। जब थोड़े उसने फ़ोटोज़ निकाल लिए उसके बाद हमें पता चला कि पर फोटोज़ का 40 रुपीज़ कॉस्ट है। तो हमारे ऐसे हो गए थे 46 to 50 अराउंड। तो वो हो रहा था कुछ 1800 या 2000। तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई, मैं बोली एटलीस्ट आपने पहले बताना चाहिए था हमें ये बात। तो फिर उसके बाद हम लोग कैंसिल कर दिए, तो वो बहुत गुस्से में चले गया। बट जब हमने उसके फ़ोन से फ़ोटोज़ देखे तो इतने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ थे कैमरे से। फिर हम लोग ने उसको बहुत ढूंढे, इतना ढूंढे 2 घंटा हम लोग ने उसको ढूंढे, पर वो हमको नहीं मिला। फिर एट लास्ट वो 500 पे मान गया था, वो 500 पे मान गया था, पर मैं 500 पे नहीं मान रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है। बट बहुत अच्छे फ़ोटोज़ है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बट ऐसा हो गया ना, मेरे फ़ोन्स में वो फ़ोटोज़ आ ही नहीं रहे हैं। तो होपफुली मैं कैसे तो भी करके कर दूँगी ऐड। और ये थे छोले कुलचे, बट ये जो थे वो कुलचों के साथ नहीं था, ये पाव के साथ था। बट ये बहुत अमेजिंग टेस्ट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। तो हमने ये खाया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फिर वो फ़ोटोग्राफ़र को कैसे ढूँढी। गाइज़ आप लोगों को क्या बताओ, 2 घंटा हम लोग उसको पूरा सोलैंग वैली में ढूँढ रहे थे, बट वो हमको नहीं मिला। लोगों से पूछ रहे थे कि ये बंदे को आप लोग ने देखा है क्या, क्योंकि फ़ोटोज़ हमारे बहुत अच्छे आए थे। फिर उसके बाद हमने ऐसा मतलब सोचे कि गूगल पे हमने किए थे उसको एक्टिविटीज़ के लिए जो हमने किए थे। तो फिर हमने उसको गूगल पे मैसेज डाले थे कि हेलो हमको फ़ोटोज़ चाहिए, आप प्लीज़ हमें फ़ोटो सेंड करो, हम आपको 500 पे कर देंगे। तो वो वहाँ पर बोला, थैंकफुली उसने वहाँ पे मैसेज देखा, फिर उसने रिप्लाई किया, फिर उसके बाद फ़ोटोज़ सेंड किया, फिर हमने पेमेंट की। फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि एक वो मेमोरीज़ थी जो हमारे पास अभी रहेगी। खैर वो मेरे फ़ोन में तो नहीं आ रही, आई डोंट नो वाई, बहुत 2 से 3 बार मैंने डाउनलोड करी बट वो नहीं आ रही है।
बट मैं लैपटॉप से लेकर ज़रूर ऐड करूँगी। बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ आए हैं और मुझे यकीन नहीं था वो इतने अच्छे फ़ोटोज़ निकाल रहा है कैमरे से। और फिर हमारा सोलंग वैली में ये लास्ट डे था और हम लोग निकल चुके थे वापस से कुछ अराउंड 2-3 बजे के अंदर ही हम लोग ने सब वाइंड अप कर लिए थे, एक्टिविटीज़ खेल वेल कर आराम से, और फिर हम चले गए थे कुछ खाने के लिए। और बहुत ढूंढना पड़ता है यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना, क्योंकि यहाँ का खाना आपको पसंद आएगा ही नहीं, स्पेशली अगर आप मुंबई से हो या साउथ साइड से हो तो आपको नहीं पसंद आएगा। और मैं 2 दिन से लाइक मुझे डोसा ही चाहिए, मुझे डोसा ही खाना है, मुझे मसाला डोसा ही चाहिए, और मैं इतना ढूंढ रही थी लाइक मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर हमने जो हमारा कैब ड्राइवर था उसको बोले तो फिर जाकर उसने एक बहुत ही अच्छी सी रेस्टोरेंट में हमको लेकर गया। फिर हम वहाँ पर फाइनली मैं खाई जो मुझे चाहिए था, और मुझे याद नहीं है वो रेस्टोरेंट का नाम क्या है, बट सोलंग वैली से हम जब नीचे उतरते हैं वापसी में वो मिलता है। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे, बहुत अफोर्डेबल था, बहुत हाई रेंज नहीं था, बहुत नॉर्मल था, नूडल्स एवरीथिंग वाज अवेलेबल। हमने फ्राइड राइस और मैंने अपने लिए डोसा मंगवाई थी। और उम्मीद करती हूँ कि लास्ट के व्लॉग में भी आप मुझे बहुत प्यार दोगे जो कि आप नहीं दे रहे हो। ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।